समय की बात है, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में सरला नाम की महिला रहती थी। अपने पति की मौत के बाद सरला ने अकेले ही अपनी इकलौती बेटी प्रीता की परवरिश की थी और उसे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दी थी। सरला रोजाना लोगों के घर जाकर काम किया करती थी और उससे कमाए हुए पैसों से अपना घर चलाती थी। लेकिन उसकी बेटी प्रीता थोड़ी अलग थी, जो रियल लाइफ से ज़्यादा सपनों की दुनिया में खोई रहती थी और अक्सर अपने सपनों के राजकुमार के बारे में ही सोचती थी। वो चाहती थी कि उसकी शादी एक ऐसे लड़के से हो जो हैंडसम हो, खूब कमाता हो और उसके पास किसी चीज़ की कोई कमी ना हो। प्रीता की इसी सोच की वजह से सरला काफ़ी परेशान रहती थी, क्योंकि सरला अपनी बेटी के लिए जिस भी लड़के को चुनती थी उसे वो लड़का पसंद आता ही नहीं था। प्रीता उनमें किसी न किसी बात की कमी निकाल ही दिया करती थी। अब सरला को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी बेटी के लिए हर तरह से परफेक्ट हम सफ़र कहाँ से ढूंढे। और इसी तरह काफ़ी लंबा समय हो जाता है। तभी एक दिन सरला के घर में एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाले करण का रिश्ता आता है। करण ज़्यादा कमाई तो नहीं कर पाता था, लेकिन वो इतने पैसे जरूर कमा लेता था जिससे वो घर अच्छे से चला सके। साथ ही वो बेहद संस्कारी भी था और सिंपल अंदाज में रहता था। उसके इन्हीं गुणों को देखकर सरला अपनी बेटी को उससे शादी करने के लिए कहती है, लेकिन प्रीता सिर्फ ये कहकर करण के रिश्ते को ठुकरा देती है कि उसे नए जमाने की तरह रहने का कोई ढंग नहीं है, जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कि कोई पुरानी फिल्म का हीरो हो। और प्रीता की इसी बात से करण के साथ प्रीता की शादी होने से रुक जाती है। लेकिन करण पहली नज़र में ही प्रीता को अपना दिल दे बैठा था। वो चाहता था कि उसकी हमसफर प्रीता ही बने, पर अब वो कुछ कर भी तो नहीं सकता था। इसी तरह काफ़ी दिन बीत गए थे। तभी एक दिन प्रीता अपने फ्रेंड्स के साथ क्लब जाती है और क्लब में उसका ही बेस्ट फ्रेंड पृथ्वी उसके साथ छेड़छाड़ करने लगता है। लेकिन ऊपर वाले का शुक्र था कि उस वक्त वहाँ करण भी मौजूद था। करण ने जब देखा कि पृथ्वी प्रीता के साथ जबरदस्ती कर रहा है तो वो खुद को रोक ना सका और तुरंत ही प्रीता को पृथ्वी के चंगुल से बचा लिया और उसे तुरंत गिरफ्तार करवा दिया। करण की अच्छाई देखकर प्रीता खुद को रोक नहीं पाई थी और क्लब में ही घुटने के बल बैठकर करण से माफ़ी मांगते हुए कहती है कि करण मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने इस सपने के राजकुमार को पहचान ही नहीं पाई। तुम ही मेरे वो राजकुमार हो जो मुझे कभी भी मुसीबत में नहीं देख सकता। हालांकि मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा है, लेकिन प्लीज़ उन गलतियों को भुलाकर मुझे एक और लास्ट चांस दो कि मैं अपनी गलती को सुधार सकूं। प्रीता की ये बातें सुनकर करण बहुत खुश होता है और तुरंत ही उसे माफ़ करते हुए उसे अपना जीवन साथी बना लेता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही ऐसी और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।